हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशान त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हिस्ट्री एमसीक्यू का हमारा ये चौथी क्लास है, ठीक है। पहली इंट्रो क्लास थी, ये कोर एमसीक्यू की हमारी चौथी क्लास है। आज की क्लास जब खत्म होगी तो हम लोग 60 एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके होंगे। लगभग 10 क्लास हिस्ट्री की चलने वाली है आपकी एमसीक्यूज की, तो 10 क्लास में मेरा मानना है हम लोग लगभग आपका 10 ईयर की PYQs कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बचे रहेंगे तो उसको देखेंगे, खैर कोई बात नहीं है, 10 की 12 क्लास हो जाएगी तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। बट डेली हम लोग 15 क्वेश्चंस को देखेंगे, तो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन आने वाला है, अच्छा ये PDF हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पूरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ से हम लोग शेयर भी करते रहे, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़े रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। सबसे पहले बार मैं आपको काकोरी केस क्या है, काकोरी केस को ही समझाता हूँ, कुछ स्पेस मिलेगा इधर देखते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखो जो काकोरी केस है, ठीक है, काकोरी के सुल्तानपुर से लखनऊ एक ट्रेन जा रही थी जो कि एक 8 डाउन ट्रेन थी। इस ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर, ठीक है, भारतीयों के द्वारा क्या कर लिया जाता है कि लूट, मतलब इसमें लूट लिया था जो इसमें खजाना रखा था या हथियार रखा था। तो यानी काकोरी केस क्या है, बेसिकली काकोरी ट्रेन मतलब काकोरी स्टेशन है जहाँ पे एक 8 डाउन ट्रेन को के लूटने की घटना हुई थी। अब देखो तो ये घटना आपकी होती कब है, तो ये घटना आपकी होती है 9 अगस्त 1925 को। एग्जैक्ट अगर डेट आपको देखना हो तो 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी, 8 डाउन ट्रेन की घटना, ठीक है। ये यूपी स्पेशल का भी हिस्ट्री है, जैसा भी आप लोग कह लें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री में अक्सर पूछ किया जाता है। इस घटना में कई भारतीयों को पकड़ा जाता है, कुछ लोगों को फांसी की सजा दी जाती है, कुछ लोग को आजीवन कारावास जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4 भारतीयों को, जिसमें आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, राजेंद्र लाहिड़ी जी हैं, अस्फाकुल्ला खा जी हैं, रोशन सिंह जी हैं। 4 लोग कौन से हैं, राजेंद्र लाही, पहले तो आपका हो गया राम प्रसाद बिस्मिल जी, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए शॉर्ट मिल देता हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लाहिनी जी, अस्फाकुल्ला खा जी और रोशन सिंह, RS यानी रोशन सिंह, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, किसी को मतलब पर्सनली दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। टाइम नहीं, स्पेस थोड़ा सा कम है तो हमको यहाँ पे मैनेज करना है, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अस्फाकुल्ला खां और रोशन सिंह, इन 4 लोगों को इस घटना में क्या होती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है। इन 4 लोग को फांसी की सजा सुनाई जाती है। एक लोग को, जिनका नाम है आपका जानना, सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है। सचिंद्रनाथ सान्याल जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, आजीवन कारावास, ठीक है। अगर आप लोग कहीं नोट कर रहे होंगे तो थोड़ा सा फुल फॉर्म में आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। ये सचिंद्रनाथ सान्याल है, लाइए मैं लिख भी देता हूँ, सचिंद्रनाथ सान्याल, आया समझ में। तो ये हो गया। अब बात आती है कि जैसे देखो भारतीय एक क्या हुआ, एक घटना होती है भाई, काकोरी केस होता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि भाई कि अंग्रेजों ने क्या किया भाई, पकड़ किए अपनी तरफ सजा सुना दिया। भारतीय हमेशा अपने लोगों को बचाने का प्रयास करते थे, यानी काकोरी केस के जो अभियुक्त थे उनको भी बचाने के लिए एक प्रयास किया गया, एक बचाव समिति बनाई गई। बचाव समिति बनाने की जब मैं बात करता हूँ तो मतलब भारतीयों की एक वकील की टीम ने उनको बचाने की कोशिश भी की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, काकोरी केस में अभियुक्तों के बचाव के लिए, पहली बात तो काकोरी केस क्या हुआ था ये समझा दिया, कब हुआ था ये समझ लिया, कि अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो समिति का जो गठन किया गया था वो गोविंद पल्लव पंत की अध्यक्षता में किया गया था, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो दिमाग में रखना आप लोगों को। नेक्स्ट आपकी जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है वो है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया एक बुक है, इसके रचयिता कौन थे, ध्यान देना है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के रचयिता कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और रफीक जकारिया या फिर लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर, ठीक है।
अब देखो ये बुक एक्चुअली किसकी है, तो अगर ये बुक देखेंगे किसकी है तो ये रफीक जकारिया की बुक है, ठीक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं रफीक जकारिया। आपके दिमाग में अगर राजेंद्र प्रसाद जा रहे थे तो राजेंद्र प्रसाद की बुक का नाम द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नहीं था, बल्कि राजेंद्र प्रसाद की बुक थी इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद की बुक का नाम क्या था, तो राजेंद्र प्रसाद की बुक का नाम था इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। जनरा यहां पे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का नाम लिखा गया है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जो बुक थी, ध्यान देना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जो बुक थी वो था इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम। अब देखो यहां पे लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की एक बहुत ही, ठीक है, बेहतरीन बुक है, ठीक है, इसका नाम आप लोग इनका नाम बता सकते हैं, ये पीटी में पीवाईक्यूज में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हिंट भी दूंगा कुछ मिडनाइट करके बुक का नाम है, ठीक। तो ये आपका होमवर्क देता हूं, इनके द्वारा जो लिखी गई बुक थी वो आप बता सकते हो, पीटी में पीवाईक्यूज अगर थोड़ा भी कोई देख रहा होगा तो पीवाईक्यूज में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब हम आते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ठीक है, इसके आंसर तो आप लोग को मैंने बता दिया भैया क्या होने गया, भाई रफीक, ठीक है, जकारिया, ठीक, रफीक जकारिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन के बाद मैंने बताया भाई कि जो दिल्ली पैक्ट हुआ था जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, गांधी पैक्ट के बाद से कराची अधिवेशन 1931 में होता है, जहां पे गांधी जी कहते हैं कि गांधी मर सकता है, क्योंकि गांधी जी का बहुत आलोचना हुआ था, क्योंकि कुछ दिन पहले लगभग एक हफ्ते पहले या एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं आता, मतलब बस जस्ट कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, तो गांधी जी को बहुत विरोध का सामना करना पड़ता, तो इसी में वो कहते हैं गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। इसी मतलब इसी अधिवेशन में, ठीक है, आप सोचो इसमें क्या आंसर था, आप नहीं मारोगे, ठीक है, पट्टाभि सीतारमैया, सरदार किशन सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। आपको क्या लगेगा कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कराची अधिवेशन को कौन मानेगा, जबकि कराची अधिवेशन में तो भाई इनका विरोध हो रहा है, ठीक है, आप भी भगत सिंह को लेकर नाराज रहते हैं कि भाई भगत सिंह भगत सिंह, तो आप कभी भी सुभाष चंद्र बोस को क्रिटिक नहीं करते, सीधी सी बात है, जिसको नहीं पता है और कहानी उनको पता है कि भाई कराची अधिवेशन में ऐसा कुछ हुआ कुछ दिन पहले भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो भाई सबको लगेगा सुभाष चंद्र ऐसा कैसे हो सकता है यार, वो तो मतलब अंग्रेजों का सीना फाड़ना चाहते थे, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस का ही था, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कराची अधिवेशन में को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। बाकी मैंने इसके बारे में, कराची अधिवेशन के बारे में बहुत क्लियर बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, तो अभी आगे और डिस्कस का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव पारित होने को राष्ट्रवाद का, ध्यान देना यहां पे लिखा है राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण का है, ध्यान देना है राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद, ठीक है, यानी सरेंडर, सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है, यह स्टेटमेंट किसका है। अब देखो राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण, यह स्टेटमेंट किसका है, ठीक है, यह पूछ रहा है। अब देखो ऑप्शंस में डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत, ये चार आपके पास ऑप्शंस मौजूद है, ठीक है। इसके आंसर्स राइट देखोगे तो डॉक्टर किचलू हैं, डॉक्टर किचलू का नाम पहली बार आप चलियावाला बाग हत्याकांड के समय सुनने को मिलता है, डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, तो वो वहां पे आप लोग सुनते हो, ठीक, तो इसके आंसर्स होंगे डॉक्टर किचलू, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला आपका है यहाँ पे बुक्स का नाम लिखा गया है, पर्सनालिटीज का नाम है,
मैच कराया है और कह रहा है कि कौन सा एक बूथ जो है वो गलत तरीके से मैच कराया गया है। भगत सिंह को मैच कराया द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से, सचिंद्रनाथ सन्याल को मैच कराया बंदी जीवन से, लाला राम शरण दास को द ड्रीम लैंड से, भगवती चरण वोरा को द फिलोसफी ऑफ बम से मैच कराया गया है। अब देखो भगत सिंह को जो पहला ये ना कभी भी नहीं वाला कॉलम रहे तो दो ऑप्शंस बहुत क्लियर पड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर कभी भी नहीं आपकी आ जाए तो ओपीटी ऑप्शन नंबर वन को क्लियर पढ़ो और ऑप्शन नंबर दो को बड़ा क्लियर पढ़ो, ठीक है। ऑप्शन नंबर दो को बड़ा क्लियर पढ़ो, ये दो चीज बहुत ध्यान से पढ़नी होती है। मैक्सिमम ऑप्शंस में नहीं जा रहा है, यही आंसर छिपके बैठे होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम केस में देखो भगत सिंह को द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जिसको एग्जैक्ट फैक्ट नहीं बता रहा था वो इसको सही मानता, क्यों? क्योंकि समाजवाद से भगत सिंह का संबंध था, इसमें कोई दो राय नहीं है। एचएसआरए से इसी क्लियर का संबंध था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, एसोसिएशन, एचएसआरए से भी इनका संबंध था। तो चूंकि एचएसआरए संबंध था तो सोशियोलॉजिस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई मना करता कि ये बुक इनकी नहीं है, जो एग्जैक्ट याद नहीं रहता तो इसको तो लोग सही कर लेते, इसको सही मान लेते, बाकी अंदर किसी को गलत मानते तो मानते। देखो इसमें सचिंद्रनाथ सन्याल का बंदी जीवन सही है, लाला राम शरण दास की द ड्रीम लैंड ये भी बुक सही है, द फिलोसफी ऑफ बम भगवती चरण वोरा का है, ये तीनों ऑप्शन सही मैच है। पहले नंबर ऑप्शन को बड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, पहला नंबर ऑप्शन जो है भगत सिंह का, भगत सिंह की बुक का नाम ये नहीं है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, भगत सिंह ये जो बुक है यह श्याम जी कृष्ण वर्मा की बुक है। ये बुक किसकी है? ये बुक है श्याम जी कृष्ण वर्मा की। ठीक है, ये बुक किसकी है? ये बुक है श्याम जी कृष्ण वर्मा की। आई बात समझ में? श्याम जी कृष्ण वर्मा का की जो बुक है वह है आपका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, भगत सिंह की एक फेमस बुक है उसका नाम है वाई आई एम एन एथिस्ट, देखना कहीं नोट करना, वाई आई एम एन एथिस्ट ये बुक का नाम है भगत सिंह का, वाई आई एम एन एथिस्ट, एथिस्ट ये बुक का नाम है किसका? भगत सिंह का, ये भगत सिंह की बुक का नाम है। तो यहां पे आपको फाइव बुक्स के नाम पता चल गया, चार तो ऑप्शन में थे, एक जो गलत था उसको सही करा के, ठीक है, ये पता चल गया, ये आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भैया 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक निम्नलिखित में से किसके विभाजन में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया? हमको पता है माउंटबेटन योजना थी जिसको हम लोग 3 जून प्लान के नाम से जानते हैं, जो देश के विभाजन के ऊपर बेस्ड थी। 28 जुलाई 1947 को देश की को दो भाग में डिवाइड करने के लिए मतलब सहमति भी मिल जाती है, किसकी? ब्रिटिश क्राउन की, ब्रिटिश क्राउन का फाइनली यहां से बिल पास हो जाता है। लेकिन बात याद यहां पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि भैया अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की जब बैठक होती है 1947 में तो किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, जे बी कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, इन चार लोगों में किसने किया था? तो ये अबुल कलाम आजाद जी ने समर्थन किया था। ठीक है, इन्होंने समर्थन किया था, यदि मैं रखना अबुल कलाम आजाद जी ने इस बात का समर्थन किया था। नेक्स्ट आपका ये तो मैंने बताई दिया, देखो अब ये स्टोरी भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की आपको बता दूं। 3 जून प्लान हमको पता है कि भैया की आता है, वहां से सब लोग माउंटबेटन योजना को समर्थन दे देते हैं कि भैया ठीक है तुम्हारे प्रिंसिपल सब मान रहे हैं। इसके वजह से 4 जुलाई को क्या होती है, 4 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बिल रखा जाता है। 4 जुलाई को ब्रिटिश बीपी मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बिल रखा जाता है देश की आजादी का और दो भाग में डिवीजन का। ठीक है, आगे बाद में, अब इसके बाद से 15 जुलाई को इसमें वोटिंग स्टार्ट होती है, कहां पे? हाउस ऑफ कॉमन्स में। ठीक है, यहां से बिल पास हो जाता है। नेक्स्ट डे 16 जुलाई, नेक्स्ट डे 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड से ये बिल पास हो जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड से।
4 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा जाता है, 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स से, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से। अब जाहिर सी बात है यहां की बात से केवल एक काम बता था, ब्रिटिश सम्राट का सिग्नेचर होना और फिर यह विधेयक पारित हो जाता। अब देखो 17 जुलाई आप लोग सोचोगे, बट 17 जुलाई नहीं 18 जुलाई को क्या होता है, ध्यान देना है इस पे, जॉर्ज सिक्स का साइन हो जाता है। जॉर्ज सिक्स उसको क्या रहोगे, सम्राट होंगे, इनको लोग जॉर्ज सस्टम भी कहते हैं, छठा सिक्स, ठीक है। तो आंसर से क्या होगा, 18 जुलाई 1947। पूरी घटना आपको पता चल गया कि भैया कब ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया, हाउस ऑफ कॉमन से कब पास हुआ, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड से कब पास हुआ, और ये जार सिस्टम जो है जो है कब इन्होंने सिग्नेचर किया। तो ये पूरी कहानी हमको पता चल गई। 8th नंबर क्वेश्चन को आप लगा देंगे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किसने, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया। देखो स्टेटमेंट क्लियर पढ़ना है, नियमित प्रचलन नियमित किया, जानना यहां पर जानना। 4 नाम है, विम कैडिफिसस, कुजूल कैडिफिकस और कनिस, ठीक है, और हर्मविज नाम है। अब जानना यहां पे आप लोग क्लियर एक बात समझिएगा, एंशिएंट इंडिया में जो भारत में विदेशी आक्रमण हुआ है, भारत में विदेशी आक्रमण जो हुआ है उसका क्रम पहले आप लोग देखो, वो तो मैं बता ही दूंगा। भारत में जो विदेशी आक्रमण हुआ है उसका क्रम, तो देखो क्रम क्या हो गया भाई, पहले हिंदू यूनानी है, हिंदू यूनानी आते हैं, शक आते हैं, पहलव आते हैं और लास्ट में आपके कुषाण आते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, हिंद यूनानी प्रथम शासक थे, प्रथम शासक थे जिन्होंने गोल्ड क्वाइंस जारी किया, क्या किया, जिन्होंने गोल्ड क्वाइंस जारी किया, आई बस में, प्रथम शासक थे जिन्होंने गोल्ड क्वाइंस जारी किया और प्रथम लेख वाले सिक्के भी इन्होंने जारी किया, ठीक है, इनके द्वारा लेख वाले सिक्के भी, मतलब जिसके पीछे कुछ लिखा है राजा का नाम वगैरह, लेख वाले सिक्के भी इनके द्वारा जारी किए गए। तो अगर, लेकिन यहां पे प्रथम नहीं पूछा, यहां पे क्या पूछा है, प्रचलन नियमित उपयोग, नियमित रेगुलर फॉर्म में इसको किसने जारी किया, ठीक है। तो भैया ये तो नहीं थे कुषाणों ने नियमित सिक्के जारी किए, ठीक है, गोल्ड के, ठीक है, और या पे गोल्ड का नियमित उपयोग जारी हुआ, गोल्ड सिक्कों का नियमित उपयोग चालू हुआ, नियमित उपयोग स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यानी आंसर्स तो है कुषाण, लेकिन कुषाणों में कौन, आई बात कि भैया कुषाणों में कौन, तो देना देखो कुषाण डायनेस्टी में क्यों आप लोग तो ध्यान देंगे, तो कुषाणों का जो संस्थापक था वो था आपका कुजूल की भीम, कुजूल कैडिफिसस, तो कुजूल कैडिफिसस जो था, कुजूल, ठीक है, सी ए डी लिखूंगा, कैडिफिसस समझना, ये कुषाण वंश का संस्थापक हो गया। इसके बाद से आती है बारी विम कैडिफिसस की, विम की, ठीक है, के ए डी से कैडिफिसस। तो विम कैडिफिसस क्या करता है, ये एक्चुअली शैव भक्त भी बहुत बढ़िया रहता है, महेश्वर की उपाधि इसके द्वारा ली जाती है, इसके द्वारा महेश्वर की उपाधि या, ठीक है, ली जाती है, जो बताता है कि शैव धर्म का बहुत बड़ा फॉलोअर रहा होगा। इसके क्वाइंस पे आपको नंदी का और त्रिशूल का आपको सिंबल भी देखने को मिल जाता है, त्रिशूल का, ठीक है, इसी ने जानना है, ठीक है, रेगुलर क्वाइंस गोल्ड का चलाया, यानी विम कैडिफिसस नहीं, यहीं पे मैं बता दूं आपको, विम कैडिफिसस नहीं, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड ठीक है। तो रेगुलर यूज इंडिया में किसके ड्यूरेशन में स्टार्ट हुआ,
तो वो हो गया विम कैडिफिसिस, इसका आंसर विम कैडिफिसिस। अब ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूरा का पूरा कहानी आपको पता चल गया, ठीक है, पूरी पूरी आपको कहानी पूरा का पूरा क्रम ही ये देखो आपको पता चल गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं यहां से, ये चीज आपको पता चल गई। अच्छा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नौवां नंबर क्वेश्चन। नौवां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से और निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख है। अशोक को देवा नाम प्रियदर्शी कहा जाता है, लेकिन अशोक का नाम अशोक किस किस अभिलेख में मिलता है, ध्यान देना। तो अशोक का नाम अशोक जो है ना वो चार अभिलेख में मिलता है, उसका नाम है मास्की, गुर्जरा, ध्यान देना, मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उड़ेगोलम, उड़ेगोलम, इन चार से इसका नाम क्या मिलता है, इन चार से इसका नाम मिलता है अशोक, ASHOK, अशोक, अशोक नाम का उल्लेख इन चार जगहों से मिलता है, ठीक है। तो अब देखो कहां पे है, गुर्जरा यहां पे मिल रहा है, तो आंसर इसका हो गया गुर्जरा, केवल एक ही नाम यहां पे लिखा हुआ था, तो यानी सिंपल बात क्या हो गई कि भाई गुर्जरा अभिलेख से इसका नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट है परम भागवत की टाइटल, अब देखो ये क्वेश्चन विवादित बन गया था, देखो परम भागवत की टाइटल अगर आप पूछोगे कि भाई किसने, ठीक है, परम भागवत की टाइटल किसने ली, तो यहां पे बहुत क्लियर दिमाग में रखना है। और देखो परम भागवत की टाइटल के ऊपर कह रहा है कि चंद्रगुप्त ने परम मतलब प्रथम गुप्त गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था या रामगुप्त था, किसने क्या किया, परम भागवत की टाइटल ली थी। तो वैसे तो लगभग सभी गुप्तों गुप्ता डायनेस्टी की ये परिचय थी कि वो परम भागवत की टाइटल्स के लिए जाने जाते थे। परम भागवत का टाइटल तो समुद्र गुप्ता ने भी लिया था, ठीक है, परम भागवत की टाइटल तो समुद्र गुप्ता भी लिया था, इसने भी लिया था, और परम भागवत की टाइटल ये भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी जाना जाता है, दोनों जाने जाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक, अब आपको पता है प्रथम कौन होगा, ठीक है, होना तो चाहिए कौन, समुद्रगुप्त, लेकिन इसमें यूपी पीसीएस आयोग मतलब अपने रिवाइज्ड मतलब आंसर स्कीम में चंद्रगुप्त द्वितीय इसका आंसर मानी हुई है, ठीक है, वैसे तो आपको पता है क्या होना चाहिए, बट अब चूंकि आयोग ने चंद्रगुप्त द्वितीय माना तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप लोग भी ये मान के चलो, मनाओ ईश्वर से कि नेक्स्ट टाइम जब पेपर में क्वेश्चन आए तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त में से किसी एक का नाम रहे ही ना, ठीक है। अगला जो करण, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। आपने बंगाल का पाल डायनेस्टी सुना होगा, पाल वंश 750 ईस्वी के करीब में आई थी, 750 में बंगाल के पाल ये कहे जाते हैं, पाल डायनेस्टी का नाम आप लोग वहां से सुने भी होंगे, ठीक है। अब देखो पालों में जैसे आप लोग नाम सुनते हो किसका, पाल वंश का संस्थापक कौन था, एक सेकेंड, ठीक है, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था, ये गोपाल जो है ये संस्थापक था। उसके बाद से आती है बारी धर्मकाल धर्मपाल की, ठीक है, पहले तो गोपाल की बारी आती है, गोपाल इसमें संस्थापक था। गोपाल का एक काम बहुत फेमस है, इसने क्या किया था, नालंदा में एक विहार बनवाया था, नालंदा में एक विहार की स्थापना की थी। विहार हमको पता है बौद्ध भिक्षुओं के रहने निवास करने का स्थान होता था, ठीक है, चैत्य क्या था आपको बता देना, जस्ट यही धर्मपाल भी करता है, ध्यान देना है, धर्मपाल भी करता है। धर्मपाल ने क्या किया था, एक विद्यालय बनाया था जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की नींव किसने धरी थी, तो वो धरी थी आपकी धर्मपाल, धर्मपाल ने बनवाया था। बाद में जब मुस्लिम आक्रमण स्टार्ट होता है तो बख्तियार खिलजी का आप लोग नाम सुनते हैं, ठीक है, बंगाल बिहार पे इसने आक्रमण किया था, जीता भी था, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी आता है और वो क्या करेगा, विक्रमशिला में आग लगा देगा, ठीक है, ये दिमाग रखना, विक्रमशिला में आग लगा देता है। तो धर्मपाल ने तो इसकी नींव रखी थी और बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जला के राख कर दिया था। धर्मकापाल के दरबार में हमने ध्यान देना एक महान विद्वान हरिभद्र भी यही निवास करते थे, हरिभद्र भी धर्मपाल के ही राज्य में निवास करते थे, हरिभद्र, आई बात समझ में, ये हो गया।
नेक्स्ट आओ त्रिकोणीय युद्ध। देखो त्रिकोणीय संघर्ष क्यों हुआ, वाई, तुमको ध्यान देना आप लोग, वर्धन डायनेस्टी का आप लोग नाम सुनते हो, उसी में वर्धन डायनेस्टी का एक शासक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय क्या होता है, कन्नौज काफी मतलब हम लोग कह सकते हैं कन्नौज का काफी उत्कर्ष होता है, ठीक है। तो कन्नौज पे कंट्रोल को लेकर, कन्नौज पे कंट्रोल को लेकर, नियंत्रण को लेकर वर्धन डायनेस्टी जब कमजोर हो जाती है, उसके बाद से तीन साम्राज्यों का आपसी भिड़ंत होता है। तीन साम्राज्यों का आपसी भिड़ंत होगा, किसको लेके, कन्नौज को लेके, ठीक है। ये यहां पर लिखूंगा कन्नौज। एक तरफ रहते हैं गुर्जर प्रतिहार, जीपी यानी गुर्जर प्रतिहार, दूसरी तरफ रहते हैं पाल और तीसरी तरफ रहते हैं राष्ट्रकूट। फाइनली इसमें विजयी कौन होता है, तो फाइनली इसमें विजयी होते हैं गुर्जर प्रतिहार, फाइनल अंतिम रूप से विजयी होते हैं, ठीक है। धर्मपाल, आप बताओ पाल डायनेस्टी कब किसके शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा बने थे, तो क्यों हुआ, कारण क्या था, किनके बीच में हुआ, ये तो मुझे है। चोला डायनेस्टी जो आप देख रहे हो, ये अपने नेवल पावर के लिए जाने जाते थे, ठीक है, लोकल इलेक्शन के लिए जाने जाते थे, ये चीज ध्यान देना। चंगेज खां का मूल नाम क्या था, तेमुचिन था, ये तो सीधा सा फैक्ट है, याद कर जाओ, चंगेज खां का नाम तेमुचिन था। अगला कह रहा है मध्यकालीन संत शंकरदेव के बारे में, शंकरदेव का संबंध ध्यान देना कहां पे है, शंकरदेव का संबंध असम से है, ठीक है। शंकरदेव का संबंध कहां पे है, तो शंकरदेव का संबंध आपका असम से है, ठीक है, इनको इनका संबंध असम से है, ठीक है, असम के चैतन्य कह जाते हैं, ठीक है, शंकरदेव असम के चैतन्य कह जाते हैं। अब देखो कह रहा है कि मध्यकालीन संत शंकरदेव का संबंध निम्नलिखित में से किसने था, शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, ठीक है, इनका संबंध वैष्णव संप्रदाय से था। क्वेश्चन बन कहता है वैष्णव संप्रदाय को असम में किसने प्रसिद्ध किया, तो वो गए संत शंकरदेव। संत शंकरदेव के को इसी के लिए असम का चैतन्य, इनको क्या कहा जाता है, असम का चैतन्य भी कहा जाता है, असम का चैतन्य कहा जाता है, ठीक है। इनके द्वारा एक कल्ट, एक संप्रदाय भी स्टार्ट किया था जिसका नाम है एक शरण संप्रदाय, एक शरण संप्रदाय, ठीक है, किसने स्टार्ट किया था, तो शंकरदेव जी ने, शंकरदेव जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है, ये बात समझ आ गई। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार का एकाधिकार कब खो दिया। आपको बताऊं ये वो दौर था 1800 बाद का, 1800 का एक दौर था कि यूके में आईआर यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाता है, औद्योगिक क्रांति हो जाती है। औद्योगिक क्रांति के पहले वहां पर क्या हुआ, कृषि में सुधार हुआ था, कृषि में बाड़बंदी सुधार उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यानी कृषि में कुछ मतलब अमीरों की संख्या जो यूके में, उनमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी, ठीक है, धंधना, क्योंकि आईआर के लिए कच्चा माल चाहिए, बाड़बंदी सुधार हो जा रहा है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो रहा है, तो यानी जो जमींदार हैं, जो खेतिहर हैं, वो अमीर बनना स्टार्ट हो, तो कुछ अमीरों की मतलब स्टार्ट हो गया, अमीर स्टार्ट हो गया। अच्छा ये दौर ऐसा था कि सारे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो, पहली बार तो यूके में आता है, समय के साथ सारा यूरोप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में चला जाता है। तो भाई हम तो आईआर हो रहा है तो आप प्रोडक्शन तो स्टार्ट कर दोगे, आप क्या करोगे, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे, उत्पादन स्टार्ट कर दोगे। दिक्कत उत्पादन में नहीं है, दिक्कत उसकी सेल में, उसकी बिक्री भी होनी चाहिए, तभी तो उत्पादन करने का फायदा है। तो इसके लिए क्या हुआ, एक लंबे समय से भारत के व्यापार को खोलने के लिए, भारत के बाजार को खोलने की मांग चल रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि यूके में तो भाई जितना इन्वेस्टमेंट होना था हो गया, अब भारत के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 1813 के चार्टर एक्ट आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज्यादा पावर छीन ली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी से 1813 में कहा गया कि भाई साहब आपके पास केवल दो राइट है, आप चीन से व्यापार कर लो, चीन पे आपका एकाधिकार है, ठीक है, प्लस आप बताओगे क्या, चाय से व्यापार, चीन और चाय, ये दो पे कंपनी का एकाधिकार दे दिया गया। कहा गया भैया इसके अलावा बाकी सब जगहों से आपका एकाधिकार खत्म होता है। लेकिन 20 साल बाद 1833 का जब चार्टर एक्ट आता है, तो इस 1833 के चार्टर एक्ट से इनको ये भी पावर क्या कर दिया जाता है, समाप्त, ये भी एक अधिकार समाप्त हो गया, ठीक है, ये भी गया। तो
यहां पे क्या कह रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार पर एकाधिकार कब खो दिया। तो चाय का व्यापार तो इनको 33 में दिया, 13 में दिया गया था भाई आप करते रहो, तो 13 तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, आंसर क्या हो गया 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट, ये हो गया आपका पूरा आज की डिस्कशन। तो उम्मीद करेंगे आज की क्लास भी आप लोग को समझ में आई हो, बेहतरीन लगा हो। ठीक है, 30 मिनट 35 मिनट मतलब आप समझो कि इतना काम करके ऑलरेडी आना पड़ता है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इजिली जो क्लासेस है टाइम पीरियड के अंदर खत्म हो जाए। ठीक है, 10 क्लास जब कंप्लीट होगी तो पूरी क्लासेस को मिलवा के मैं एक क्लास भी तरह तैयार करा दूंगा, जो भी आपकी 4 घंटे की 3.5 घंटे की क्लासेस बनेंगी, ताकि आपको रिवीजन कराना हो तो बार बार क्लास ओपन करके ना देखना हो, एक साथ आप लोग पूरा रिवीजन कर जाए। ठीक है, क्लासेस बहुत बेहतरीन तैयार होगा। 10 साल की हिस्ट्री आप लोग कंप्लीट करोगे तो मैक्सिमम मैं बताऊँ यहाँ से 10-12 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, रेडी रहना इतने क्वेश्चन के लिए। जय हिंद, जय भारत।